हमारे साथ इस समिट में एक ऐसे शख्स भी मौजूद हैं जिनका बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रोडक्ट्स अपने बना रखे हैं। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विपीश गर्ग है और वैसे मैं एज अ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर पंजाब सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में काम करता हूँ। यहाँ मेरा एक शौक के नाते या फिर काफी लोग मेरे जानने वाले हैं, तो जैसे आज छुट्टी थी तो मेरा आना हुआ यहाँ। और हम लोग, मैं मानसा में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ हम लोग अलग अलग, जैसे पूरी दुनिया जानती है कि जो वृक्ष आधारित खेती है तो उसमें जो फल आधारित खेती है या हॉर्टिकल्चर है उसका आने वाला टाइम है और बहुत ज्यादा काम हॉर्टिकल्चर में होने वाला है। जो भी अभी चैलेंजेस हैं पूरे इंडिया के लिए या फिर पंजाब के लिए, तो हॉर्टिकल्चर उसमें बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। जैसे हम, आप सबको पता है कि जो किसानों, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जगह है, तो वो बहुत सारे फार्मर्स हैं, वो पंजाब में ही नहीं पूरे इंडिया में। तो जो वो फार्मर्स हैं उनके लिए जो हॉर्टिकल्चर है वो बहुत ही वाइबल ऑप्शन है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, फिर इसके साथ और भी बहुत सारी एलाइड एक्टिविटीज हैं, जैसे मशरूम कल्टीवेशन है, फिर हनी बी कीपिंग है, फिर इसके साथ पंजाब में तो सिल्क भी चलता है, सिल्क फार्मिंग भी हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, फिर फूलों की खेती है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो जिस एरिया में मैं हूँ, तो लगभग 4 साल से मैं मानसा में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ हम लोग अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। और मेरा पर्सनल भी एक शौक है, या मेरा पर्सनल भी जो रुझान है वो, हम लोग, मेरा ये मानना है कि हम लोग प्रोडक्शन में तो बहुत ज्यादा है। जैसे इस मेले में भी जहाँ हम लोग खड़े हैं तो अंदर भी बात हो रही थी, लगभग 320 लाख मैट्रिक टन हमारा प्रोडक्शन है, और लगभग जितना ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्शन है उतना तो हम लोग वेस्ट करते हैं। तो ज्यादा मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो वेस्ट टू वेल्थ के हैं, और मैं 3 लोगों के साथ मेन काम कर रहा हूँ, फार्मर्स जो हमारे डिपार्टमेंट का मेन मैंडेट है, और फिर हम लोग स्कूल्स में काम करें जहाँ हम लोग, जो बच्चे आज से 5 साल बाद 10 साल बाद स्कूल से निकलेंगे या कॉलेज से निकलेंगे, तो हम लोग वो हॉर्टिकल्चर में कैसे वर्क फोर्स लेके आए, तो वहाँ हमारा प्रोग्राम चल रहा है। और तीसरा थोड़ा सा, जैसे अर्बन गार्डनिंग है, पैरी अर्बन गार्डनिंग है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो नए फार्मर्स हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, IITs के हैं, IIMs के हैं, या बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आप हमारे ये जो स्टॉल्स आपने लगाया हुआ है हमें ये दिखा दीजिए, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैम, जैसे सबको पता ही है कि जो पूरा का पूरा ना पंजाब की पराली की जलाने की समस्या है, या हरियाणा की, जो भी पूरा का उत्तर भारत है, तो उसमें पराली जब जलती है ना, तो वो सबको, पूरे देश को क्या, पूरी दुनिया को पता है। तो जो ऑयस्टर मशरूम है, ये टिंगरी पंजाबी में बोलते हैं, या इसको टिंगरी खुम बोलते हैं, तो ऐसे तीन मशरूम है, एक तो ये ऑयस्टर मशरूम है जो इस सीजन में हो रही है, फिर इसके बाद पराली वाली खुम बोलते हैं, और फिर मिल्की व्हाइट मशरूम बोलते हैं। तो उसमें हम लोग जो पराली है उसको अगर हम लोग एज अ सब्सट्रेट यूज करेंगे, तो जो पराली, लगभग पंजाब की जो पराली हम लोग जलाते हैं वो 3000 करोड़ की, और अगर मैं पंजाब का जो ड्राई फार्म वेस्ट बोलूँ, जो सूखा हमारा फार्म का वेस्ट है, वो 10000 करोड़। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि, जैसे नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि उसमें से हम लोग CNG बनाएं, बायोचारकोल बनाएं, या फिर पूरा का पूरा जो एनर्जी पे काम चल रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो वो पराली है उसका कोई 5% 10% ऑयस्टर मशरूम्स हम लोग ग्रो करके, क्योंकि ये विटामिन डी, प्रोटीन्स और फाइबर्स में बहुत ज्यादा रिच है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये, और इसको ग्रो करना बहुत ज्यादा आसान है, और कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, और इसको हम लोग स्कूल्स में ग्रो कर रहे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे, मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है स्कूल एडिबल गार्डन्स पंजाब का, अगर आप गूगल में भी डालेंगे या मेरा नाम भी डालेंगे, तो आपको हमारे वो प्रोजेक्ट्स के बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी। तो ये स्कूल में भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, और ये मेरे फार्मर हैं, ये कमल जी, ये मेरे फार्मर हैं, ये बाहर से ऑस्ट्रेलिया से हॉर्टिकल्चर करके आए हैं, तो ये हमारे पंजाब के कहीं ना कहीं, वैसे तो ऑयस्टर मशरूम पंजाब में भी होती है, परंतु इसकी जो मार्केटिंग है वो, देखो वैसे तो हर एक चीज का मार्केटिंग बहुत बड़ा इशू है, तो हम लोग ये एंड टू एंड फार्मर हम लोग खड़े कर रहे हैं कि भाई वो ऑयस्टर मशरूम खुद ग्रो करें, और उसके बाद फिर ये जो केक्स हैं या जो ब्रेड्स हैं, ये जो ऑयस्टर मशरूम है इसका जो एक फार्मिंग पीरियड होता है वो क्या होता है, कि मतलब इसकी कब हम लोग इसको उगा सकते हैं? नेचुरली तो ये सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये अप्रैल तक जाता है, और इसमें अप्रैल तक जाता है, फिर इसमें काफी, जैसे ये व्हाइट सफेद रंग में आती है, गुलाबी रंग में आती है, नीले रंग में आती है, भूरे रंग में आती है, तो और फिर गोल्डन कलर में आती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे काफी तरह के ये बायो एंजाइम्स भी रखे हुए हैं, तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए जी।
जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग ज्यादा वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट्स में जो नितिन गडकरी जी तो कहीं ना कहीं हम लोग उनके फॉलोअर हैं, तो जो वेस्ट है वो अगला सोना है, जो कचरा है उसमें से सोना उग सकता है। तो मैं अगर बात करूं तो बायोएंजाइम्स 90 दिन में ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस बन जाते हैं किसी भी फल फूल और सब्जी से। तो हम लोग जितना भी फूल फल सब्जी है पूरे देश का, या जैसे हम लोग पंजाब में अगर मैं बात करूं तो किन्नू की, तो लगभग हम लोग पंजाब में 12 से 13 लाख मेट्रिक टन किन्नू प्रोडक्शन होती है, और उसका अगर हम लोग 20% भी माने तो 3 से 4 लाख मेट्रिक टन किन्नू वेस्ट जाता है। तो उसका बायोएंजाइम्स बना के उसको आप खेती में यूज कर सकते हो, आप इसको नहाने धोने में यूज कर सकते हो, आप उसको सफाई में यूज कर सकते हो। जितना वो जमीन में जाएगा, पानी में जाएगा और हवा में जाएगा, उतना नेचुरल फार्मिंग और वो शुद्धता आएगी। एक तरीके से ये जो मोटिव है कि वेस्ट को कैसे वेस्ट ना जाने दे, ये उस तरह का मोटिव है। तो किन्नू लगभग आप मान के चलो कि अगर बायोएंजाइम हम लोग सिर्फ 20 रुपए फार्मर का बिकता है तो 3000 करोड़ की एक साल की वो इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है।